तो भाई आप जैसे और मेरे जैसे कई सारे लोग मीशो को ज्वाइन करते हैं ये सोचकर कि बहुत सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे क्योंकि ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं बता दूं मीशो किस तरह से एक ट्रैप बुनता है जिसके अंदर आप फंस जाते हैं और आप पैसे कमाने की जगह गंवा देते हैं। भाई इतना बता दे, ये बता दे कट्टे आए कैसे तेरे पास, ये सब हो कैसे रहा तेरे पास, तूने फोन भी बंद कर लिया। करो भाई आप ही बोलो, ग्रुप बना लेंगे ना, इसमें भेज दो सारे। ठीक है मैडम, भाभी जी पता तो ये सामान लेकर आता है, कुछ कहते नहीं आप। अब ये 10-12 साल के लिए अंदर जाएंगे तब ठीक रहेगा क्या? 5-7 साल के लाओ इधर, इधर जी कौन सा कोई बात है, आप अपने कपड़े हटा लो, कपड़े हटा लो आप अपने। वैसे क्या निकल रहा है भाई, भाई हो तुम आप महेंद्र, आगे क्या लिखते हो भाई, सरनेम क्या लिखते हो महेंद्र जी? कश्यप, कश्यप लिखा तो है, डीजे का काम है। अच्छा महेंद्र कश्यप जी, आप ये जो कट्टे निकले हैं आपने अपने घर में एक्सप्रेस वीज का हब बना रखा है, तो मतलब आपका टाई अप है? देखो भाई ये बोरों में देखो सब में, भाई देखते रहना एक बार है? बोरे इनमें बोरों में चेक किया? अजय को फोन करूंगा, अभी तो फोन आ रहा था। बोरा खोलो, ये देख लिया, बोरा देख लिया, तो वही तो पन्नी है, यही तो जाएंगी वापसी फिर रुपए को के। लॉस हो कैसे रहा है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इधर दो तरीके की रिटर्न है मीशो में। पहला रिटर्न है कुरियर रिटर्न, इसका मतलब है कि कुरियर पहुंचा ही नहीं कस्टमर पे, यानी कि कुरियर कंपनी जो है वो एड्रेस पे पहुंच नहीं पाई और वो सीधा सामान सेलर के पास वापस ले आई। इसके अंदर कोई भी मीशो आपसे पेनल्टी या कोई तरीके का चार्ज नहीं लेता है। और दूसरे तरीके का रिटर्न होता है कस्टमर रिटर्न, अगर आपका कोई सामान डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, तो कस्टमर उसे वापस करता है और सेलर के पास वापस चले जाता है। मगर यहाँ पर मीशो आपसे चार्ज करता है 120 से 150 रुपए पर कुरियर। तो आप मान लीजिए अगर आपके 10 रिटर्न आते हैं जो कि कस्टमर रिटर्न है, तो आपके 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बनेगी सिर्फ पेनल्टी। तो अगर हम इसे समझें कि इतना रिटर्न हो क्यों रहा है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। कोई भी सेलर जब सामान भेजता है तो वो बहुत ध्यान रखता है कि सही सामान जाए, क्योंकि जब रिटर्न आता है तो फिर नुकसान सेलर का ही है। और जब कस्टमर रिटर्न करता है तो बिल्कुल कुरियर कंपनी चेक करती है और मेक श्योर करती है कि वो सही सामान वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर सामान कस्टमर के पास गलत पहुंच रहा है या फिर कस्टमर से वापस सेलर के पास गलत पहुंच रहा है, तो इसकी जिम्मेदार कुरियर कंपनी है और मीशो है, क्योंकि मीशो इसका ख्याल नहीं रख पा रही है कि सामान की बीच में चोरी हो रही है, जिसकी वजह से कस्टमर को भी नुकसान हो रहा है और सेलर को तो हो ही रहा है। आप इसे ऐसे मान के चलिए कि आपके अगर 100 कुरियर गए और उसमें से 36 वापस आ गए, तो हम उसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 20 जो है कुरियर रिटर्न है जिसका हमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, मगर फिर भी आप उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि 5 से 10 रुपए पर पैकेट पड़ता है, और उसके अंदर भी आप 200 से 300 रुपए माइनस में जाएंगे। अब बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की। कस्टमर रिटर्न मान लीजिए एक आध पीस डिफेक्टिव हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है या डैमेज हो सकता है, मगर 100 में से 12 पीस 15 पीस रिटर्न होना यानी कि पूरा का पूरा आपको लॉस दे जाएगा। और मेरे पास मीशो से जितना भी कस्टमर रिटर्न आइटम आया, यानी कि 100 में से करीब 12 या 13 पैकेट आए, सबके अंदर सामान गायब था मैक्सिमम के अंदर। और बता दूं एक के अंदर तो कुछ ये निकल के आया है, ये है एक फटा हुआ कपड़ा, पजामा है, और ये ऐसे चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं मीशो रिटर्न में। मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे जो कि इस चीज़ को फेस कर चुके होंगे। हो क्या रहा है यहाँ पर कि ऑर्डर पिकअप से पहले ही कैंसिल हो रहे हैं, कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले। अब इसमें होता क्या है कि हम सेलर सारे पैकेट्स पैक करके रख देते हैं पहले ही और कुरियर कंपनी आके पिकअप करके ले जाती है। लेकिन मैं बता दूं जो मैंने नोटिस किया है कि पिकअप से कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले ऑर्डर्स कुछ कैंसिल हो जाते हैं,
और कुरियर कंपनी फिर भी उन्हें लेके चले जाती है। लेकिन मैं बता दूं, उनके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो जो सेलर 100, 200, 1000 पैकेट्स भेज रहा है, अगर उसमें से 20, 50, 100 भी कैंसिल हो जाते हैं तो आपको पूरा लॉस है, क्योंकि ना आप उस पर कोई क्लेम कर पाएंगे और ना वो आपको कोई प्रॉफिट दे पाएगा। तो भाई मेरे जैसे बहुत सारे सेलर होंगे जो मीशो के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी सेल करते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि मीशो पे रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है, और आपने शायद ये नहीं नोटिस किया होगा कि मीशो पे एड्रेस काफ़ी सारे इनकम्प्लीट आते हैं। मुझे नहीं समझ आता क्यों आते हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई फेक अकाउंट बना के भी ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से सामान डिलीवर नहीं होता है। कस्टमर केयर की बात कर लेते हैं। कस्टमर केयर बिल्कुल वाहियात है। अगर आपकी पेमेंट रिलेटेड इशू है या ऐसा कुछ इशू है जो कि आपको इमीडिएटली रिजोल्यूशन चाहिए, तो मैं बता दूं, टिकट डालने के बाद आप 8-8, 10-10 दिन तक वेट करते रहेंगे, कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करने वाला है। तो भाई कैंपेन की बात करूं, एडवर्टिजमेंट की बात करूं, तो बिल्कुल इनके पास एडवर्टिजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप एडवर्टिजमेंट चला सकते हो और सेल बढ़ा सकते हो। वैसे भी मीशो में काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं जो रिटर्न हो जाते हैं, अगर आप एडवर्टिजमेंट चलाते हैं तो उसके अंदर भी सिचुएशन सेम ही रहती है। मैं बता दूं, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे इन्होंने 900 रुपये का क्रेडिट दिया था एडवर्टिजमेंट के लिए, लेकिन जब फाइनल बिलिंग बनी तो 900 रुपये इन्होंने कर दिए गायब और बैलेंस कर दिया माइनस में। तो भाई अगर आप ऑनलाइन सेलर बनना चाहते हैं तो मैं मीशो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट चूज कर सकते हैं। क्या निकल रहा है भाई? भाई हो तुम? आप महेंद्र आगे क्या लिखते हो भाई? सरनेम क्या लिखते हो महेंद्र जी? कश्यप, कश्यप लिखा तो है, डीजे का काम है। अच्छा महेंद्र कश्यप जी, आप ये जो कट्टे निकले हैं, आपने अपने घर में एक्सप्रेस वीज का हब बना रखा है, तो मतलब आपका टाई अप है? किस चीज़ के कट्टे हैं ये? किस चीज़ के कट्टे हैं? भाई मेरा सामान है। क्या सामान है जी आपका? सामान नहीं, जगह नहीं है ना घर में रखने के लिए, सामान मेरा जो है। अच्छा क्या सामान है, एक बार कट्टे खोल के दिखाओगे? इन कट्टों में से निकालोगे एक बार? क्या सामान है आपका? मैनेजर का नंबर था जिसका काम करता है। नहीं नहीं, इस इन कट्टों में से निकालो, आपका क्या सामान है जरा निकालना। एक मिनट, ये भाई को निकल जाओ। महेंद्र, अरे मैनेजर तो ठीक है, वो बात की बात है, एक बार इन कट्टों में से अपना सामान निकाल दो, जो तुम्हारा सामान है जो बेचते हो वो सामान दिखा दो, ये अपना वो दिखा दो। ये चाचा कौन है? पापा है तुम्हारे? हाँ पिताजी हैं, वो कोई बात नहीं, पिताजी हैं। निकाल दो भाई अपना सामान निकाल दो। महेंद्र, महेंद्र इधर लगभग कितने टाइम से चोरी कर रहे हो महेंद्र? अरे हाँ ना, तो कुछ तो बोल। चलो मैं पैकेट, ये सारा खरीदा हुआ है? ये सारा खरीदा हुआ है? ये जो सामान है खरीदा हुआ है? और ये ऐसा है, इसको डालने को है ना, उस दिन एक लोगर मेरे पास कम पड़ रहा था, इतना पसंद आ गया मैंने तब भी दे दिया। मैंने पैकेट में कल बेच दूंगा, तू ले जा। अरे सामान तो हमसे ही लेके जाते हैं, एनएफ के नाम कर। अरे एनएफ की छोड़, हम तो वैसे भी दे देते हैं यार जब ये हाल है। और अब किसका बैग था ये? ये बैग किसका? तेरा है? ये पैकेट निकला है तेरे बैग में से? पैकेट निकला है लेकिन है तो सेलर का। हाँ सेलर का है। और खोलियो और देखो ये बैग। ऐसे काम करने लगा। अरे हाँ कैसे पड़े हैं पैकेट तेरे बैग में? और निकाल, और निकाल, डालने हैं भाई। और तो निकाल, कहाँ डालने हैं? गाड़ी में है। गाड़ी कहाँ है? ये खड़ी है। हाँ और तू कहाँ से आ रहा है? गाड़ी में डाल के। तू गाड़ी से तो आ रहा है अभी? निकाल निकाल और निकाल और निकाल। अरे निकालता तू अब नहीं है? हाँ निकाल। अबे क्यों नहीं है? और ये रखे निकाल इसको, क्या है ये? ये नहीं है पैकेट? आ जा, खोल 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 इसको, खोल और पूरा खोल। पन्निया खोल इसे पूरे पैकेट। और कुछ नहीं है? अरे रुक तो जा, कोई बात नहीं ना, हमें भी तो देखने दे, कुछ और है नहीं है। खोल इसे भी, खोल पीछे वाले को भी खोल। अबे ये निकाल के बाहर रख, रुक जा यहाँ डाल कर दो जी। कोई नहीं, धरी पकड़ के हाँ निकालो। और क्या 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 नाम है तेरा? नाम क्या है? सब उधर डाल। हैं योगिंदर, कहाँ पे काम करता है तू? मेरा दोस्त घर का है। नहीं, कौन सी कंपनी में काम करता है? एक्सप्रेस वीज में काम करता है ना। कौन है तेरा मालिक? मालिक कौन है तेरा? मालिक
बता, भूल गया मालिक का नाम क्या? कोई नाम नहीं है। बोल बोल क्या नाम है तेरा, मालिक का क्या नाम है बता। जल्दी बता मालिक का नाम बता जल्दी। भाई क्या करवाएंगे हैं? क्या करवाएंगे? मालिक का नाम बता जल्दी। भाई माल डालना है गाड़ी में, अभी मैं गाड़ी वाले को बुला। तो तू ये पन्नियां लेके क्या घूम रहा है भैया? पन्नी को क्या करता है तू? सुनो एनो पुरानी पड़ी है भैया, ये एनएफ है क्या सारी? ये एनएफ बनवा के लाया क्या सारी है गाड़ी में से तू आ रहा है? तूने गाड़ी में क्यों नहीं डाली पैकेट भाई? अब सारे सैलर यही रहते हैं, फिर रुक जाओ वाले। कुछ नहीं है, चुप रहे, शांत हो। कोई नहीं, माल जितना है वीडियो बना लेना है। बना ली, बना ली, ग्रुप बना लेंगे ना, उसमें भेज दो सारे। ठीक है मैडम। भाभी जी पता तो ये सामान लेकर आता है, कुछ कहते नहीं है। अब ये 10-12 साल के लिए अंदर जाएंगे तब ठीक रहेगा क्या? 5-7 साल के लिए बंद हो गए, जब सही रहेगा बताओ? अपने कम में गुजारा कर लो भाई। नहीं नहीं गलत तो नहीं है बताओ? अब ये 2-3 साल के लिए अंदर बंद होएगा बताओ? अब क्या उसके पीछे तुम्हें कौन खिलाएगा बेटा? और निकाल दे, वो निकाल दे, निकाल दे, जितना भी है सारा निकाल दे, उतना ही बचेगा कम, निकाल दे। हम कुछ पुलिस वाले अपना आप देखेंगे, निकाल 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 लो, सब निकाल लो, सब निकाल लो, निकाल निकाल लो, जल्दी निकाल बेटे, जल्दी निकाल, इतना निकाल बेटा निकाल। कौन सा कोई बात है? आप अपने कपड़े हटा लो, कपड़े हटा लो आप अपने। ये बता दे कट्टे आए कैसे तेरे पास? ये सब हो कैसे रहा तेरे पास? तूने फोन भी बंद कर लिया। करो भाई आप ही बोलो। कश्यप, कश्यप लिखा तो है, डीजे का काम है। हाँ डीजे का भी काम है। आप ये जो कट्टे निकले हैं, डीजे काम है ना, इसका हब बना रखा है, तो मतलब आपका टाई अप है? किस चीज के कट्टे हैं ये? ये किस चीज के कट्टे हैं भाई? मेरा काम है। बात करा मैनेजर से, बुला मैनेजर का नंबर दे, मैनेजर का नंबर दे, मैनेजर का नंबर दे जिसका काम करता है, दे। इन कट्टों में से निकाल लो आपका क्या सामान, निकालना। आ जाओ आ जाओ, मैनेजर का ठीक है, कम से कम 10 लाख। देखो भाई ये बोरों में देखो सब में, बोरे इनमें इनमें बोरों में चेक किया? अजय को फोन करूंगा, अभी फोन आ रहा था। बोरा खोलो, ये देख लिया बोरा, देख लिया तो वही तो पन्नी है, यही तो जाएंगी वापसी फिर पैक होके। अच्छा पलटो भाई, अरे वाह साड़ी सूट, यही सेल लगती है इस भाई का पैकेट, ये लो चेन लग दिए ना मतलब। और देखो भाई अभिषेक की शादी के टाइम का पैकेट है, खोलना और खोलना। अरे दो के पैकेट है यहां पे, ये पैसे नहीं मंजू तेरा है ना ये? हां हां भाई, हां कोई बात नहीं, जो आपकी बहू का सामान है वो अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो अपने बोरे देखने बस। ऊपर जूते भरे पड़े हैं वो बुध बाजार वाले के, बुध बाजार वाले के बहुत बहुत जूते, बहुत जूते हैं, वीडियो बना के लेके 50 जोड़ी है, जा तू जा तू देख के कमरे में बोरे भर लो। ला भाई गिर भैया, रिक्शा मंगा लो। हां मंगा लेंगे, घेरो 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 एक बार। अरे ये अरे अरे बोरे एक ग्रुप बना दो, सारी वीडियोस में डाल देना। कितना तो इसमें देख चुके होंगे, सब लगा दे बेटा बोने में प्यार से।